बंद कमरे तो चोर तो ठग मीटिंग करते होंगे तो जो तुम सच्चे हो तो तुम ओपन डिस्कशन करो भावा सारा का सारा पार्लीमेंट आ जाए कोई यहोजी गल ना करो जिदे नाल इतने थोनू कल तुम कहो लो जी पंजाब तो शांति भंग होगी जी पंजाब तो आ हो गया जी तो हुण तुसीं एमरजेंसी तुसीं समझ गए बिल तुसीं सारे समझ गए बैठे थोनू किन्ना क चंगा लगता है लो मैं थोनू एग्रीमेंट 10 साल का बना के एक गल अमृतसर डिस्ट्रिक्ट दे विच होई है उत्थे एग्रीमेंट बना के उन्हें की किया की नहीं किया जट ने साइन करते मैं कहना जिहो जिहा भोले धन्ना भगत सीगे उहो जिहे भोले अपने जट ने उहने साइन करते तो मुड़ के जद 3 साल की फसल का बयाना भी पहला देता 80 ते 80 ते 80 कैलकुलेट कर लो कि हो गया उस तो बाद जो गया गिरदावरियां लैके बैंक वाले कोल उह तां कहिंदे जी करोड़ रुपया लोन होया होया इहदे तां जिथे की कुछ होंगे और थोड़े थ्रू ही दिखाया जाता चैनल के थ्रू मेरी एक ख्वाहिश है कि तुसी जथेबंदियां दे जिन्ने भी आगू कल गए सी उन्हां दे नाल बैठो तुसी अपने मंत्री जिहड़े हैगे उन्हां नूं बिठाओ और तुसी वार्तालाप करो बिल दी और सारी जिहड़ी मीडिया है हिंदुस्तान दी उह आवे और लोकी फैसला करन जिवें तुसी पार्लीमेंटेरियन च अपनी गल्लां करदे हो लोगों नूं जज करन दिओ कि भाई फैसला ये बिल तुसी वापस लेना कि नहीं लेना सो ओपन डिस्कशन होनी चाहिए दुनिया दे विच होनी चाहिए सारे दे सामने होनी चाहिए बंद कमरे तो चोर तो ठग मीटिंग करते होंगे तो जो तुसी सच्चे हो तो तुसी ओपन डिस्कशन करो भावें सारा का सारा पार्लीमेंट आ जाए सारे किसानों के नाल बैठो तो सुनो तो सुनाओ अपना देश सारा जिथे कोई कि जा सकता है लेकिन मैं चाहना कोई एहो जी गल नहीं होनी चाहिए कि जिथे दंगे कराओ या जे कोई शांति मुजाहरे हो रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री इतने होने चाहिए ने और मैं कोई पर्टिकुलर गल नहीं कर रहा मैं कहना कोई यहोजी गल ना करो जिदे नाल इतने थोनू कल तुम कहो लो जी पंजाब तो शांति भंग होगी जी पंजाब तो आ हो गया जी तो हुण तुसीं एमरजेंसी लाउणी इदां दे ना तुसीं चीज़ां करो लेकिन इन्ना काम जरूर करो भी सारे नूं नाल लैके इकट्ठे चलोगे सच्चे हो तो तुसीं पंजाब दे बहुत धरनियां ते गए हो तुहानूं लगदा भी आर एस एस दा खर्चा जताया जा सकदा जिस तरह तुसीं अज ब्लेम कर रहे हो भी कितें ना कितें धरने नूं खराब कीता जा सकदा मैं ब्लेम नहीं कर रहा पहलां भी इस तरह हुंदा आया पंजाब दे विच बंदे भेजते तुसीं कट्ठ दे विच रौला पवाता फिर कहता जी उत्थे ऐ हो गया फलाना हो गया सानूं चकन्ने रहना बहुत 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 जरूरी है अज बीजेपी दे नेता नूं घरों निकलना दूर हो गया अज विजय सापला मोगे गए थे उत्थे उन्हें घेर लिया गया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया धरना प्रदर्शन करन गए थे कि प्रदर्शन कर रहे ने उन्हें घेर लिया अज उन्हें अरेस्ट करना पै गया किनू अरेस्ट करना पै गया विजय सापला नूं अरेस्ट करना पै गया नहीं नहीं मेरा मतलब है ये जिन्हें भी उत्थों सेंटर तो मंत्री आए हैं या इतने बीजेपी के लीडर ने तुसी आओ गलबात करो ना तुसी धरनियां ते आओ बोलो गलबात करो पर जे थोड़ी कोई गल सुन ली तैयार नहीं यह तो मतलब उन्होंने रोस है तुम बुला के अपने ओपन डिस्कशन प्रेस के सामने करो तुम अपना मुद्दा रखो तुम उन्होंने गल भी सुनो देखो जे तो गल मुकानी है प्यार ना फिर तो मुक सकती है पर जे तुम गल ही नहीं मुकानी जो थोड़े कोई गया आदर व्याह भी नहीं की यद मतलब कुछ ना कुछ तो दाल चकाला मैं तुम समझ गए बिल तुसी सारे समझ के बैठे थोनू किन्ना क चंगा लगता है लो मैं थोनू गल सुना आ गल हो चुकी है पंजाब शायद थोनू ना पता होवे कि एक किसान दे कोल 5 किले जमीन सी आओ सुनो जरा गल उहदे कोल कोई व्यापारी आया उन्हें कहा भी मैं ना तेरी जमीन जिहड़ी है 10 साल वास्ते लेनी इत्थे फुलां दी खेती करनी ते इत्थे प्लांट लाउणा ठीक है तेनू 40,000 रुपया ठेका मिलता साल का मैं तेनू 80,000 दूँ भोले भाले जट ने बेचारे उन्होंने पता नहीं की गल की नहीं उन्हें एग्रीमेंट बना लिया एग्रीमेंट 10 साल का बना के एक गल अमृतसर डिस्ट्रिक्ट दे विच होई है उत्थे एग्रीमेंट बना के उन्हें की किया की नहीं किया जट ने साइन करते मैं कहना जिहो जिहा भोले धन्ना भगत सीगे उहो जिहे भोले अपने जट ने उन्हें साइन करते तो मुड़ के जद 3 साल की फसल का बयाना भी पहला देता 80 ते 80 ते 80 कैलकुलेट कर लो कि हो गया उस तो बाद जो गया गिरदावरियां लैके बैंक वाले को कहें जी करोड़ रुपया लोन होया होया
ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CM ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼